बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त JTC फाउंडेशन के पेज से लाइव देख रहे हैं, जो हमारी कैंपेन है रेंटा राइड के ज़रिए घर घर राशन पहुँचा सिलसिला। इस वक्त हम लोग अपने हेड ऑफिस से रवाना हो चुके की जानी पर। इस वक्त हम लोग हैदरी ब्लॉक जी में खड़े हैं और यहाँ से तमाम तर गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से कुछ देर में ये गाड़ियाँ अपने मुकर्रर इलाकों के लिए रवाना हो जाएंगी। मैं गाड़ियों की तादाद आपको इस वक्त दिखाता हूँ, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं कि जिसके अंदर राशन फुली पैक्ड है और इनके पास एड्रेसेस मौजूद हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तर गाड़ियाँ इनको फराहम किए हुए एड्रेसेस तक उनके घर ले जाकर राशन पहुँचाती हैं। JTC फाउंडेशन ने जिस तरह लॉकडाउन के शुरू से ही अब तक काम करी, तो इस तरह हमारी टीमें हर अंदाज़ में काम कर रही हैं, चाहे वो रोड पे उतर के काम करें, चाहे वो पैकिंग के सूरत हाल हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो परचेजिंग हो, हर लिहाज से। मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ ये रेंटर राइड के गाड़ियों के ज़रिए पूरा सिलसिला, ये प्रोसेस पूरा चल रहा है कि लोगों के घरों तक हम ये राशन पहुँचाएं। देखिए ये गाड़ियाँ इस वक्त हम हेड ऑफिस से निकल कर इस वक्त हैदरी मौजूद हैं। हैदरी के इलाके से ये तमाम तर गाड़ियाँ अपने मुकर्रर इलाकों के लिए डिस्पर्स हो जाएंगी और रवाना हो जाएंगी कि किस तरह। और मैं आज आपको कोशिश करूँगा कि थ्रू आउट पूरी जर्नी आपको दिखाऊँ कि क्या सूरत हाल है। ये तमाम जो मैं आपको गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, ये गाड़ियाँ भी मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ कि इसमें ये देखिए। असद भाई ये बताइएगा, असद भाई कितनी गाड़ियाँ इस वक्त लाइनअप हैं और कहाँ कहाँ रवाना होंगे हम लोग? काफ़ी सारी गाड़ियाँ तो अपनी मंजिल तक पहुँच चुकी हैं, जैसे औरंगी टाउन वाली गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई हैं, अस्करी वाली गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई हैं। यहाँ पर इस वक्त 20 गाड़ियाँ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, जो अभी यहाँ से खंडूकोट जाएंगी, लियाकताबाद जाएंगी, कुछ FC एरिया जाएंगी और कुछ अस्करी की तरफ जाएंगी, ये अपना सब्ज़ी मंडी की तरफ, पुरानी सब्ज़ी। ठीक तो मुझे ज़रा दिखाएंगे ये गाड़ियाँ खोल के कितना राशन है, क्या है, क्या तरीक़ेकार है और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है? अच्छा, ये हमारी छोटी गाड़ी है, इसमें एक में 20 राशन आता है। ठीक है, जितना राशन आ सकता है, जितना राशन मैक्सिमम आ सकता है। ये देखें टायर पूरा बिल्कुल इस तरह, आगे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई सारी सब हमारी है। अच्छा, सब गाड़ियाँ सही हैं। ये देखिए, ये तरीका है। अभी मैंने आपको एक हमारी फूड पांडे की टीम रवाना हुई थी, ये देखिए इसकी गाड़ी के अंदर भी पूरा फिल है और इसी तरह आगे भी जितनी गाड़ियाँ हैं और सारी आप देखिए गाड़ियों की आप वो देखिए आप कितनी बेहतरीन और अच्छी गाड़ियाँ हैं। लोग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वॉलंटियर्स हमारे, ये बिल्कुल ये देखिए जितनी गाड़ियों में राशन आ सकता है उसको फुल करके इसको यहाँ से रवाना किया जाता है। ये देखिए इस गाड़ी में अलग राशन मौजूद है, इस तरह ये अलग है, हर गाड़ी में इस तरह जिसमें जितना राशन आ सकता है। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि हमारे पास जो भी कॉल्स आती हैं, हमारे पास जो भी डेटा मौजूद है, ये देखिए यहाँ से तो गिरना भी शुरू हो गए हैं लेकिन अभी दोबारा इसको रख दिया जाएगा। इस तरह यहाँ से लेकर कोने तक जितना मैं डिस्टेंस चलूँगा और पूरे डिस्टेंस तक ये रेंडर राइड की गाड़ियाँ हैं जिसमें पूरी तरह ये राशन मौजूद हैं, ये राशन एड्रेसेस मौजूद हैं, उन एड्रेसेस पे ये राशन दे दिया जाता है। हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये रेंडर राइड की गाड़ियाँ हैं जिसके ज़रिए सारा काम हो रहा है, ये पूरा सेटअप चल रहा है। एक तरीक़ा एक निज़ाम है, जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना था उस सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रखे हुए ये काम इस अंदाज़ में हो सकता था कि बजाय किसी को घर से किसी जगह बुलाकर, ऑफिस बुलाकर या कहीं बुलाकर उनको राशन फराहम करने के से बेहतर ये था कि हम कोई ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ करवाते हैं, कोई ऐसा निज़ाम उसको बरूकाल लाते जिसके ज़रिए लोगों के घरों तक राशन पहुँचें। तो ये दो तरीक़ेकार थे हमारे JTC फाउंडेशन ने जिसको इम्प्लीमेंट किया। एक तरीक़ेकार ये है कि जहाँ हम राशन गाड़ियों के ज़रिए उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं, तो दूसरा फूड पांडा के हमारे राइडर्स हैं जो फूड पांडा के ज़रिए, ये देखिए मैंने एक एक गाड़ी आपको बिल्कुल जो लाइट ऑन जैम पैक्ड हैं और देखिए यहाँ पर मुस्तकिल और हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं। मैं अभी ऑफिस भी इनका रेंट राइड वालों का ऑफिस भी सही है, रेंट राइड का ऑफिस भी यहीं पर है जहाँ पर ये सारे मौजूद हैं और यहाँ से मुकर्रर इलाकों में लिस्टें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। हमारे वॉलंटियर्स ने जैकेट्स पहनकर और बिल्कुल एक एक एड्रेस पर एड्रेस ढूंढ कर उनको कॉल करके उनको बताकर, चूँकि रात 2 बजे से सुबह 7 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है, तो रात के इस पहर हमारे वॉलंटियर्स निकलते हैं। रेंट राइड के वॉलंटियर्स निकलने के बाद अच्छा भाई, ये आपके पास लिस्टें बनी हुई हैं जहाँ जहाँ? ये हमारे पास ये JDC से हमें लिस्टें मौसूल हुई हैं। ये अख्तर भाई 3 गाड़ियाँ लेके इस पर जा रहे हैं। ठीक है, जामा मस्जिद है मदीना, मदीना के आसपास के जो एरिया होंगे ब्लॉक 2 वहाँ भी जा रहे हैं और उसके आसपास के जो वहाँ पे जो NICs ड्रॉप करते हैं अपने
उनके पास जा रहे हैं, उनको जाके कॉल करेंगे, ठीक है, और फिर इस तरह चीजें चलेंगे। आप जाइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अख्तर भाई आपको वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अख्तर भाई रवाना होंगे। इस तरह डीगल लिस्टें बनी हुई हैं जी, डीगल ये ब्लॉक एन कच्ची आबादी की लिस्ट है हमारे पास, सही है, वो मुस्तकिल पूरी लिस्ट बनी हुई है जिसमें आप, सही सही, बेहतरीन बेहतरीन, ये तरीकार है कि हमारे वॉलंटियर्स जो हैं उनको लिस्ट ऑफिस से फराहम कर दी जाती है, वो लिस्ट हैं कि जो हमारे पास या तो कॉल्स की सूरत में जमा होती हैं या हमारे पास एप्लीकेशन ड्रॉप किए जाते हैं या किसी जिस तरह भी हमारे पास लोग अप्रोच करते हैं कि हमें राशन चाहिए, हमें राशन फराहम कर दें, तो हम उनको, ये तरीका होता है। एक तरीका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का ये है कि हम उनको पहुँचा रहे हैं, जिस तरह लेटर हेड वो सबमिट करवाते हैं, वो रोज़ाना के ट्रक अभी अलग रवाना हो रहे हैं। अभी इसी वक्त जिस वक्त मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको ये रेंटर आइड की गाड़ियाँ दिखाई, कितनी बड़ी तादाद में बेहतरीन और अच्छी गाड़ियाँ, ऐसा भी नहीं, अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें लोगों ने, ये वॉलंटियर्स हैं जो इस तरह काम करिए, देखिए पूरा ये पूरी सुजुकी भी इस वक्त हाईरूफ भी फुल है राशन से, और ये लोगों के घरों तक ले जाके पहुंचाते हैं। तो ये कमाल निज़ाम, ये कमाल सिस्टम। तो मैं कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये, और दिखाने का मकसद आपको ये है कि एक सिस्टम के तहत हमारा काम हो रहा है कि हम जो कह रहे हैं कि हम घरों पर राशन पहुँचा रहे हैं, तो वो इस तरह हम घरों पर राशन पहुँचा रहे हैं। एक एक शख्स को हम एड्रेसेस दे देते हैं, वो गाड़ियों में निकल कर, अभी कुछ देर में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से तमाम तरह गाड़ियाँ रवाना हो जाएंगी, ये शुरू हो चुकी हैं, सबको उनका एड्रेस दे दिया गया है, अभी मुकर्रर है, अभी असद भाई रवाना होना शुरू देंगे। ये जा रहे हैं एफ सी एरिया जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारी जाएंगी 5 गाड़ियाँ, 100 राशन है, 5 गाड़ियाँ जाएंगी, ठीक है, 100 राशन करना है, ठीक है। जी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 02136341059। मैं आपसे ये कहने, ये देखिए, ये ऑन ग्राउंड जहाँ हम आपको वहाँ से ये चीज़ें दिखाते थे कि रेंटर राइड की गाड़ियाँ निकलती हैं, आपने रोज़ाना की बुनियाद पर देखा था कि बड़ी तादाद में गाड़ियाँ से रवाना होती हैं, वो कहाँ जाती हैं, आज वो सिस्टम आपको दिखा रहे हैं कि ये मुकर्रर वक्त पर कलेक्ट होती हैं, वहाँ से वहाँ पर लोग तमाम तर एक एड्रेस पर जमा होने के बाद वहाँ से वो तमाम तर गाड़ियाँ जो भी इनको एड्रेसेस दिए हुए हैं, देखिए ये गाड़ी रवाना हो चुकी है, इस तरह जितनी भी गाड़ियां हैं वो आहिस्ता अपने मुकर्रर रास्तों पर रवाना हो जाएंगे, और वो इस तरह फिर उनको उनके एड्रेसेस पर पहुंचा दिया जाएगा। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, लोगों को ये पैगाम बताएं कि JDC फाउंडेशन किस अंदाज़ में काम कर रही है। एक जानिब हमारी टीम इस वक्त पैकिंग कर रही है, तो दूसरी जानिब हमारी एक टीम डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, हेड ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो रोज़ाना की जो लेटर हेड पे जो एप्लीकेशन आती है उस पे जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये वो है। उसके बाद फिर एक तरीक़ार ये है कि रेंट राइड के ज़रिए से हम लोगों को फराहम करते थे कि एक गाड़ी में 2 वॉलंटियर्स हमारे मौजूद होते हैं, एक एड्रेस बता रहा होता है और दूसरा उस तक पहुंचा रहा होता है, और ये लोग लोगों के घरों पर पहुँच कर कॉल करते हैं, उनको कॉल करके उनको बुलाते हैं एक मकाम पर, उनके घर पर ले जाकर उनको फराहम करते हैं, उनसे एड्रेस समझने के बाद एक मेहनत है ये पूरी, जो रात 2 बजे से लेकर सुबह तक जारी रहती है पूरी मेहनत, एक एक राशन उनके घरों पर पहुंचाया जाता है। ये तरीका है, ये निज़ाम है, इस अंदाज़ में हम ये सारा काम कर रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ कि किस तरह JDC फाउंडेशन काम कर रही है, क्या तरीका है। ये देखिए सारी गाड़ियाँ भी कुछ देर में सब गाड़ियाँ रवाना हो जाएंगी, अगर आप देख रहे हो तो तमाम तर गाड़ियाँ अपने रास्तों की जानी रवाना हो गई हैं। ये देखिए हमारे JDC के वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ से रवाना होंगे। भी आपको मैं वो तरीके कार भी दिखाऊंगा करीब ले जाकर, जब एक एड्रेस पर पहुँच रहे होंगे, एक एड्रेस पर पहुँच के जो हम डिलीवर कर रहे होते हैं, मैं वो भी आपको, देखिए ये तमाम गाड़ियाँ रवाना हो रही हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, पैगाम लोगों तक पहुंचाएं कि JDC फाउंडेशन जो काम कर रही है वो आपको विजुअली दिखा भी रही है कि किस अंदाज़ में, ऑन पेपर भी हमारे पास तमाम तरह रिकॉर्ड मौजूद है, विजुअली भी हमारे पास तमाम तरह रिकॉर्ड मौजूद है कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, किन किन इलाकों में काम कर रहे हैं। कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पर हमारी टीम की जानिब से या तो रेंटर राइड के ज़रिए या तो फूड पांडा के राइडर्स के ज़रिए जिनको हमने हायर किया हुआ है या जो जिनके इलाके से जो लेटर हेड है उनके ज़रिए हमने ना पहुंचाया, हम कराची के हर इलाके में पहुंच रहे हैं। कराची के साथ साथ अंदरूनी सिंध हमारा काम जारी है, जिसमें सक्खर, लाडकाना, हैदराबाद, थर और दीगर इलाकों के साथ साथ अब हमारा काम गिलगित-बल्तिस्तान में भी आगाज़ कर दिया गया है। गिलगित-बल्तिस्तान में भी आज एक जो क्वारंटीन वहाँ पर है वहाँ पर हमने राशन पहुँचा दिया है। इसके अलावा कोयटा में भी हमने उस दिन राशन रवाना किया था जो मुख्तलिफ कोयटा के इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तमाम तर तरीक़ार हैं, मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। मुसीबत का वक्त है, मुसीबत है लोगों पर। ये रेंटर राइड का ऑफिस इधर करीब ही है जहाँ से हम जिन्होंने हमारे साथ ये सपोर्ट की है कि वो अपनी तमाम तर बेहतरीन गाड़ियों में
वो राशन ले जाके, ये जज्बा है अहलियान कराची का, ये जज्बा है कराची के नौजवानों का कि लोग अपनी पर्सनल गाड़ियाँ इस खिदमत खल के लिए। असद भाई ये जो गाड़ियाँ हैं ये लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ हैं जो, लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ हैं, लोग अपने, बल्कि मजीद और लोग हमें अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि गाड़ियाँ चाहिए, लेकिन हमारे पास जितना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो चीज़ें पहुँचे, ठीक है, मैनेज कर, लोग हमें अप्रोच करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, पहुँचिए वहाँ पे, मैं आपको फोन करूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है, फोन कर रहे हैं ना, इनको फोन करो, ये बहुत आसान है। देखिए बिल्कुल मालूम करके, एड्रेस पूछकर पूरा तरीक़ेकार से ये गाड़ियाँ से रवाना हो रही। मैंने आपको दिखाया कि कुछ देर कबल यहाँ पर पूरी गाड़ियों का एक जाल था और अब गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो गई हैं और पहुँच रही हैं अपने मुकर्रर मकाम पर। तो ये तरीक़ेकार है, ये निज़ाम है, ये सिस्टम है, सिस्टम के तहत चलें असद भाई हम लोग चलें। अभी हम लोग कुछ देर बाद आपको यहाँ से ये देखिए तमाम तर गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो चुकी हैं, सारी गाड़ियाँ जो राशन लेकर रेंट राइड की गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो गई हैं। लोग ये जज्बा है, ये जज्बा काबिले दीद है, काबिले सताइश है, इस तरह सपोर्ट देखिए तरीक़ेकार है, JDC फाउंडेशन को सपोर्ट करने का एक तरीक़ेकार है। ये भी एक अंदाज़ है कि लोग अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हमें कह रहे हैं कि हम रात के इस पहर लोगों के घरों पर जाकर, जो परेशान हाल है, जो मुसीबत में है, उनके घरों पर जाकर हम ये राशन फराहम करेंगे। जी अब मैं आपको एक दफ़ा व्हाट्सअप नंबर अपना रिपीट कर देता हूँ, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0333-04-04-03-0333-04-04-03 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। हमें बहुत बड़ी तादाद में आपके माली तावुन की ज़रूरत है, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट के बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। ये देखिए, ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदरी के इलाके में, जहाँ से हमारी पहले हमारे हेड ऑफिस से तमाम तर गाड़ियों ने राशन रिसीव किया, उनको फरहम कर दिया गया, उसके बाद वो अपने एक मुकर्रर वक्त पे जहाँ पर उनको लिस्ट डिवाइड कर दी जाती है वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ से अब ये डिस्पर्स हो चुके हैं मुख्तलिफ इलाकों की जानिब और उन इलाकों में घरों पर जाकर ये राशन फराहम करेंगे। लोग एड्रेस मालूम करके, लोगों के एड्रेस मालूम करके उनको फराहम करेंगे। ये तरीक़ार है, ये जज्बा है, JDC फाउंडेशन ने जिस अंदाज़ में काम किया है, आप देख रहे हैं कि जिस वक्त से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था उस दिन से JDC फाउंडेशन के तमाम तर वॉलंटियर्स 24 आवर्स काम कर रहे हैं, हर अंदाज़ में काम कर रहे हैं, चाहे वो राशन पैकिंग का सिलसिला हो, चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला हो, चाहे उन्हें ये तरीक़ार हो कि राशन परचेज़ करना, कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें शहर कराची में राशन, अगर दालों की, चावल की, तेल की, चीनी की अगर कीमतें ज़्यादा हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो शहर से बाहर निकल के हैदराबाद और दीगर इलाकों से उसको परचेज़ करें, ताकि वो उस रकम से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंच सके। तो ये तरीक़ेकार है, इस अंदाज़ में काम किया जा रहा है। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएं कि JDC फाउंडेशन जिस अंदाज़ में काम कर रही है वो काम काबिल दीद है, काबिल सताइश है, और सिर्फ एक चीज़ आपसे दरकार है, वो चीज़ ये है कि आपका सपोर्ट हमें चाहिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट के मुताबिक, उस सपोर्ट के मुताबिक ये सब कुछ हो सकेगा। तो मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ कि किस अंदाज़ में, और ये काम रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, डेली ये काम हो रहा है, हर अंदाज़ में ये काम हो रहा है, और जिस वक्त से लॉकडाउन हुआ था उस वक्त से ये तमाम तर प्रोसेस जारी और सारी है। तो अब कुछ देर बाद मैं उन इलाकों से आपके पास लाइव आऊँगा कि जहाँ पर हमारे, अब एक तो मैंने आपको ये पूरा तरीक़ा दिखा दिया, एक निज़ाम दिखा दिया कि पहले राशन रिसीव हो जाता था, उसके बाद उसको यहाँ से डिस्पर्स कर दिया जाता है मुख्तलिफ इलाकों के लिए। अब थोड़ी देर बाद मैं उस इलाके से आपके पास लाइव आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि अब हमारी गाड़ियाँ जो यहाँ से गाड़ियाँ रवाना हुई हैं वो किस तरह कहाँ जाकर वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए और बने रहिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम आपके पास लाइव दोबारा आते हैं।